गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इवा गेमिंग 2.0 चैनल पे। तो आज हमारे GTA 5 के सीरीज का होने वाला है 40th एपिसोड। और गाइस, यार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं ना अपने चैनल पे पाल वर्ल्ड की भी सीरीज स्टार्ट की हूँ। तो मैं चाहती हूँ यार कि जो प्यार आप लोगों ने GTA 5 को दिया है ना, वही प्यार आप लोग पाल वर्ल्ड को भी दो, क्योंकि यार वो गेम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक बार उसे देखो, आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रही। बाकी गाइस, यार GTA ना अपने ही टाइम पे हमेशा अपने चैनल पे आपको अपलोड हुई मिलेगी, यानी कि 2 से 3 दिन के बीच में ना आपको GTA 5 की वीडियो हमेशा मिलेंगे, क्योंकि यार GTA 5 अपना बेस गेम है। तो प्लीज यार आप लोग अपना सपोर्ट ना ऐसे ही बनाए रखे, बाकी यार आपको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी। चलो गाइजर, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं अपनी गेम की तरफ। ऑल राइट गाइजर, तो आ गए हम लोग अपनी गेम की तरफ। तो गाइजर, अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने यार फाइनली डगन बॉस को पकड़ ही लिया। और यार इसको माइकल ने इतना ज्यादा मारा ना कि बंदा यार अभी बेहोश हो गया है। वैसे गाइजर, हमें लगा था कि जो गोल्ड हमारे रास्ते से चोरी हुई है ना, वो डगन बॉस ने ही ली थी। पर यार यहाँ पे जब हम लोग इसे जेल के अंदर लेकर के आए और जब इसकी थोड़ी बहुत कुटाई की ना, तो ये बंदा हमें साफ इनकार कर दिया कि इसने यार कोई भी गोल्ड नहीं लिया है। तो यार हमें ना इस पुलिस कैप्टन पे शक हुआ, क्योंकि हमारे पीछे जब हम लोग वहां से गोल्ड चुरा करके भाग रहे थे ना, तो हमारे पीछे पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस है ना पड़ी हुई थी। पर डगन से पूछने के बाद हमें ये पता चला कि डगन ने हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं भेजी थी। पर यार इस पुलिस कैप्टन को पकड़ने के बाद हमें एक और सच पता चला कि ये जो पुलिस कैप्टन है ना, ये किसी बंदे के लिए काम कर रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो यार ये हमारे पीछे ना, मतलब यार कोई एक तीसरा बंदा है जो पुलिस को बार बार हमारे पीछे लगा देता है और हमारे काम में यार वो मतलब यार टांग अड़ाता है। बाकी यार ये डेजी पता नहीं जब से क्या करने की कोशिश कर रही है। भाई गेट इधर है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलग एक्साइटेड है। भाई तुम्हें अगर मारपीट करना है तो इसके अंदर से आ जाओ, ये अभी भी इसको, अबे यार मुझे तो बाहर निकलने दो भाई, अलग ही लेवल के नशे चढ़ रखे हैं। बाकी चलो यार, अभी ना हमें वो जो तीसरे बंदे की बात है ना, उनसे थोड़ा सा यार मतलब पता लगाना पड़ेगा। बाकी यार यहाँ पे ये इसको मारे भाई, वो ऑलरेडी बेहोश है, डगन बॉस को छोड़ दो। बाकी यार यहाँ पे माइकल ना अपने पुलिस कैप्टन से पूछने की कोशिश कर रहा है, पर यार आपको तो पता ही है कि ये बंदा जो है ना साफ इनकार कर दिया था कि इसके ऊपर जो इसका बॉस है उसके बारे में यार इसे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलो यार, अभी ना हमें तो बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है यार कि वो तीसरे बंदे का पता हम कैसे लगाएंगे। फिलहाल यार यहाँ पे माइकल कुछ कह रहा है। ओके, तो ये मुझसे बोल रहा है कि अमेंडा मुझे अंडर वाटर माफिया पे शक है। भाई इस बंदे का शक मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि इसको किस बात का शक है। पर चलो यार, ये बंदा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अब मैं भी प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, तो चलो यार फिलहाल मैं तो यहाँ पे अंडर वाटर माफिया की मदद कर रही थी। पर यहाँ पे अगर माइकल बोल रहा है ना कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, तो चलो यार एक मौका इसे भी देते हैं। बाकी देखते हैं यार कि क्या होता है। फिलहाल यार यहाँ पे डेजी हंस रही है, बोल रही है तुम्हें कौन वोट करेगा, तुम तो ऑलरेडी इतने क्राइम कर चुके हो। बाकी हाँ यार, क्राइम से याद आया, जिस बंदे का नाम यार क्राइम रिपोर्ट में होता है भाई, वो इलेक्शन के लिए तो खड़ा नहीं होता है। बाकी चलो यार, आज ना जो भी पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे, मतलब कि जो भी कैंडिडेट इस इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं ना, उनका यार वहाँ पे हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो चलो माइकल सबसे पहले ना वही काम करके आते हैं, और ना देखते हैं यार कि हमें वहाँ पे जो वहाँ के लॉयर होंगे उनसे एक बार बात करना पड़ेगा, क्योंकि यार थोड़े बहुत पैसे खिला करके अगर अपना काम बन जाएगा ना, तो हम लोग अपने काम को वहीं पे रफा दफा करके आएंगे। कैसे भी करके यार माइकल का जो नाम है ना, अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एंट्री करवा के आएंगे। बाकी चलो यार, तुम दोनों यार फटाफट से गाड़ी में बैठो और एक बार ना हम लोग चलते हैं पार्लियामेंट हाउस और देखते हैं यार कि वहाँ का जो लॉयर है या फिर जो भी प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें आखिर आगे क्या इशू आने वाली है। क्योंकि हमें पता यार कि माइकल का नाम जो है ना लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट पे क्राइम रिपोर्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। पर देखते हैं यार कि अगर लाइक हमें कोई अदर स्टेप भी उठाना पड़ा ना, तो अब वो भी करेंगे, क्योंकि माइकल का प्लान यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने का नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे कुछ प्रूफ करना चाहता है।
चलो यार, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि माइकल अभी यहाँ पे क्या साबित करना चाहता है। बाकी चलो गाइजर, फिलहाल तो अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सबसे पहले ना पार्लियामेंट हाउस पे चलते हैं और देखते हैं यार कि वहाँ पे फॉर्म फिलअप का क्या प्रोसीजर है। तो चलो गाइजर, जब तक मैं अपनी गाड़ी को भगा करके पार्लियामेंट हाउस जा रही ना, तब तक मैं कुछ बंदों को शाउट आउट देना चाहूंगी जिन्होंने यार पिछले एपिसोड में अपना सारा चेक पॉइंट कम्प्लीट किया। तो पहले नंबर पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगी दीप राणा जी को, और दूसरे नंबर पे अभिषेक जी को, और तीसरे पे राघव, और फोर्थ नंबर पे रिकेश जी को। थैंक यू सो मच गाइज, क्योंकि गाइजर आप लोग का जो कमेंट होता है ना, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। बाकी गाइजर आप लोग ना अपने एपिसोड का जो लाइक टारगेट है उसे टाइम पे कंप्लीट करवा दिया करो, आपको यार नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और यार हमारे वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 250 होता है, तो चलो यार उसे ना जल्दी से कंप्लीट करवा देना। बाकी चलो गाइजर, आप लोगों से बात करते करते ना हम लोग पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और आई थिंक यार यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर था ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सामने यार मुझे ना काफी लग्जरी गाड़ी भी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस एंटोस के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे मतलब इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखो यार, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। चलो यार यहाँ पे ना एक बार हम लोग भी बात करते हैं और माइकल का जो नाम है ना यहाँ पे एंट्री करवाते हैं। बाकी यार यहाँ पे एंट्री तो हो जाएगी क्योंकि ये बंदा, इसका काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने का है। बाकी जो भी आपको तो पता है यार कि माइकल का जो नाम है ना वो क्राइम लिस्ट में रजिस्टर है, तो हमें उसका भी कुछ देखना पड़ेगा। बाकी फिलहाल चलो यार माइकल, तुम ना अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कराओ। बाकी चलो गाइजर, यहाँ पे माइकल जो है ना अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है और डेजी क्या बोल रही है। ओके, तो डेजी यहाँ पे इससे पूछ रही है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होता है ना उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यार यहाँ पे ये बंदा भी एक कोई छोटा मोटा लॉयर है और ये बोल रहा है कि आपका बस क्राइम रिपोर्ट में नाम नहीं होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो यार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको ना एक सुप्रीम कोर्ट का ना आपको 5 ईयर्स का जज भी बनना पड़ता है, पर अभी जो हमारे लॉस एंटोस का मतलब सिचुएशन है ना, आपको तो पता है यार कि जो पहला प्रेसिडेंट था अपना, जो लॉस एंटोस का प्रेसिडेंट था ना, वो कोई और नहीं डेजी का पापा ही था। पर यार उनकी जो इस तरीके से मौत हुई ना, तो यहाँ पे इमरजेंसी में यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। तो फिलहाल यार इन लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज किया है और बोला गया है कि अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहा ना तो आप प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे खड़े हो सकते हो। बाकी चलो यार यहाँ पे माइकल ने भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है और हम लोग ने एक बार यहाँ से चलते हैं यार। और रही बात बैकग्राउंड की, उसका भी हम देखेंगे, पर फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं ना, लाइफ इन्वेंटर बिल्डिंग पे चलते हैं और माइकल के नाम का ना एक एडवर्टीजमेंट चला देते हैं। क्योंकि यार वैसे तो माइकल को सब लोग जानता है, पर यार अभी जो कुछ दिनों से भसड़ मची हुई है ना उसके कारण से माइकल का इम्प्रेशन थोड़ा सा डाउन है यार। तो हम लोग ना एक बार छोटा मोटा कोई एडवर्टीजमेंट करवा देंगे तो शायद माइकल के बैकग्राउंड पे ना, जो माइकल का इमेज है उस पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। बाकी चलो यार फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और माइकल तुम भी यार गाड़ी में बैठ जाओ। एक सेकेंड यार, मैं बाई पहले ड्राइविंग सीट में मैं गलती से उस साइड बैठ गई। चलो यार तुम लोग भी जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाई क्या कर रहे हो माइकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में मतलब यार किसको लग रहा है कि प्रेसिडेंट अभी अब बन ही जाएगा, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है। चलो कोई नहीं यार, फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं। बाकी गाइजर अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना तो फटाफट से कमेंट में माइकल प्रेसिडेंट टाइप कर देना, क्योंकि यार माइकल तो खुद को यहाँ पे प्रेसिडेंट मान ही चुका है। तो चलो यार हम लोग भी ना इसके खुशी में थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। बाकी चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं लाइफ इन्वेंटर बिल्डिंग पे। तो चलो गाइजर हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना लाइफ इन्वेंटर बिल्डिंग पे पहुंचने वाले हैं। बाकी गाइजर जब तक हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे ना, आप लोग यार फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस ने यार अपने पैल वर्ल्ड की वीडियो देखी है और किस किस को यार वो पसंद आ रही है। बाकी गाइजर अगर आप लोग उसे पूरा देखोगे ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग को भी उतना ही मजा आएगा जितना मजा यार मुझे उसे खेलने में आ रहा है। बाकी चलो यार फटाफट से अंदर चलते हैं और यहाँ का जो मैनेजर है ना उससे बात करते हैं। बाकी यार यहाँ पे डेजी बोल रही है कि मैं यार यहाँ पे अंदर नहीं जाऊंगी, मैं ना थोड़ा सा बाहर ही हूँ, मुझे थोड़ा सा यार यहाँ पे रेस्ट करना है, तुम लोग जाओ अंदर का काम करके आओ। चलो माइकल तुम तो साथ में चले जाओ क्योंकि तुम्हारा ही काम है। बाकी चलो यार हम भाई ये क्या है यार, कैसी है, मुझे ही गाली दे करके यहाँ से चली गई। भाई अभी मैं ना बिल्कुल भी मारपीट के मूड में नहीं हूँ, तो अभी ना मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। माइकल ये क्या कर रहे हो, इसकी भैंस की यार
देख रहा यार दूसरी लड़की को यहाँ पे देख रहा है, हद है यार। चलो कोई नहीं, फटाफट से यार हम लोग ऊपर चलते हैं। वैसे यार माइकल माइकल का जो यहाँ पे बिहेवियर है ना, बिल्कुल भी प्रेसिडेंट बनने वाला नहीं है। पर चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं यार इसको प्रेसिडेंट ये बन भी पाता या नहीं। बाकी एक सेकेंड यार, मुझे ना यहाँ पे कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं क्या। एक सेकेंड यार, एक बंदा यहाँ पे, पता नहीं यार इस वाले रूम से निकला है। बाकी यार ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। मैं यार इसके ऑफिस ही आई हूँ यहाँ पे काम करवाने के लिए, पर एक सेकेंड यार ये तो बिल्कुल भड़का हुआ है। ये बोल रहा है कि आज अब हमारे ऑफिस की छुट्टी चल रही है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। भाई जिस एटीट्यूड से ये बंदा बोल रहा है ना, अब तो मैं आज ही इससे काम करवाऊंगी। चल यार हमारा जो एडवर्टीजमेंट है ना माइकल के नाम का, वो तुम्हें यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा। भाई ये बंदा यहाँ पे साफ साफ मना कर रहा है। बाकी यार यहाँ पे माइकल को भी ना धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है। अगर इसको गुस्सा आ गया ना तो भाई इसका एक तो ये ऑलरेडी सिंगल पसली का है, अभी ये दो चार झापड़ खाएगा ना तो सीधा यार अभी जमीन में गिरा हुआ नजर आएगा। बाकी चलो यार यहाँ पे माइकल तो बिल्कुल ही हाथापाई पे उतर आया है। बाकी यार ये बंदा भी यार यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया है और बोल रहा है कि चलिए ठीक है, आप लोग बता दो कि आपका काम क्या है, मैं यहाँ पे ओवर टाइम कर लूंगा आप लोग के लिए। भाई बंदा तो अभी यहाँ पे काफी ज्यादा चौड़ में बोल रहा था, अभी यार यहाँ पे ओवर टाइम करने के लिए आ गया है। बाकी चलो यार यहाँ पे बंदे ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये बोल रहा है कि मैं समझ गया कि आपको क्या करवाना है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और सर आए थे और उन्होंने भी सेम एडवर्टीजमेंट करवाई थी। भाई इसके पास और कौन बंदा आ गया, कहीं अंडर वाटर माफिया तो नहीं, क्योंकि यार अब तक हम लोग अंडर वाटर माफिया के लिए काम कर रहे थे और उसको जो भी अपने से काम करवाना था ना, मतलब जो भी इस तरीके का काम करवाना था, उस सारे काम मैं करवा रही थी। पर यहाँ पे जब से माइकल ने उसे बोला है कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बनेगा, तब से यार मुझे लग रहा है कि वो बंदा थोड़ा सा यहाँ पे ना हमसे कटा कटा सा हुआ है। पर यार उस बंदे का रिएक्शन तो काफी ज्यादा नॉर्मल था। चलो कोई नहीं यार, अभी लाइक यार लॉस एंटोस में बहुत सारे बंदे हैं जो प्रेसिडेंट के लिए ना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यार आप लोगों ने भी देखा वहां पे जहां पे फॉर्म फिलअप हो रहा था ना, वहां पे काफी ज्यादा लंबी लाइन थी। तो आई थिंक अंडर वाटर माफिया के अलावा और भी यार बाकी बंदे हो सकते हैं। तो यार यहाँ पे अभी अपना फालतू का दिमाग मैं खर्च नहीं करूंगी और सीधा ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और गाइस यार हमें यहाँ से निकल करके ना सबसे पहले यार वो वाला काम करना पड़ेगा, मतलब कि आपको तो पता ही है कि माइकल का जो नाम है ना वो क्राइम रिपोर्ट में ऑलरेडी है, तो हमें ना उसे कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। पर यार पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाना ना एक मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला बात है, क्योंकि वहां के बंदे ना हमें कुत्तों की तरह ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। बाकी यार अभी अपने पास पुलिस कैप्टन तो है, चलो देखते हैं यार कि वो बंदा हमारी कुछ मदद करता है या नहीं। फिलहाल यार हम लोग अपनी गाड़ी उठा करके ना अपने मतलब की जो पुलिस कैप्टन है ना उससे जाकर के बात करेंगे यार, और उसको बोलेंगे कि वो हमारी मदद करे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी यार ये अपनी डेजी कहाँ गई, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। पर एक सेकेंड, ये तो अंडर वाटर माफिया है ना, ये यहाँ पे क्यों आया है भाई साहब। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है। बाकी यार ये तो आकर के डायरेक्ट माइकल से गुस्से में बात कर रहा है। बाकी चलो यार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सुनने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यहाँ पे अंडर वाटर माफिया मतलब यार ऐसे अपने सिक्योरिटी के साथ क्यों आया। और एक सेकेंड मुझे सामने एक और गाड़ी नजर आ रही है जिस पे अंडर वाटर माफिया की सिक्योरिटी है। भाई साहब यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए आए हो, और यार ये मुझे बोल रहा है कि तुम तो मेरे साइड थी ना, और जैसे ही तुम्हारा पति यहाँ पे मतलब ठीक हुआ तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, ये कैसी दोस्ती थी। भाई एक सेकेंड यार ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, और एक सेकेंड ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ना खुलेआम चैलेंज करता हूँ, दम है तो प्रेसिडेंट बन के दिखाओ। भाई ये अंडर वाटर माफिया का जो रूप है ना मुझे थोड़ा सा यार बदला हुआ लग रहा है। भाई ये अचानक से इतना कैसे बदल गया, मतलब यार ये प्रेसिडेंट की तो बात है, और यार अगर हम एक बहुत अच्छे दोस्त है तो हमारे दोस्ती में से मतलब कोई भी बंदा अगर यार उस पोजीशन को पाता है तो यार हमें इशू नहीं होना चाहिए। पर यार ये बंदा तो यहाँ पे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये ना बिल्कुल यार मुझे यहाँ पे सेल्फिश नजर आ रहा है। और यार ये यहाँ पे ना खुलेआम हमें धमकी दे करके और सीधा निकल गया। बाकी यार यहाँ पे माइकल मुझ पे ही चिल्ला रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जो अंडर वाटर माफिया है ना इसमें मुझे थोड़ा सा ना
ये बंदा मुझे अजीब लग रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी जो गोल्ड की चोरी है ना उसमें इसका ही हाथ है। बाकी यार यहाँ पे मुझे भी ना माइकल की बात थोड़ी सी सही लग रही है, पर और ये देखो यार सामने से ये और इसकी पूरी सिक्योरिटी निकल गई। मतलब यार बंदा पूरी तैयारी के साथ आया था, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रिगर होते ना तो शायद यार ये हम पे फायर भी करता, यानी कि हाथापाई पे भी उतरता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पे माइकल की बात माननी चाहिए और थोड़ा सा ना यार मतलब मुझे लग रहा है यार कि यहाँ पे माइकल की बात पे ना हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अभी तक तो यार मैं ना बिल्कुल भी मतलब कि इग्नोर कर रही थी यार इसकी बातें, पर एक सेकेंड यार माइकल मुझे बोल रहा है कि अमेंडा तुम एक काम करो, डेजी को ना उसके पीछे लगाओ। मैं अभी मेरे माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, मैंने तुम्हें अभी बोला ना गोल्ड का, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के मतलब जो गोल्ड हमारी चोरी हुई है ना उसमें भी अब अंडर वाटर माफिया का ही हाथ है। तो डेजी एक काम करो, तुम ना अंडर वाटर माफिया के पीछे जाओ और दूर से ही उस पे नज़र रखने की कोशिश करना और देखना कि वो बंदा क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्योंकि यार अब मुझे भी उस पे ना 10% डाउट आया है। पर यार अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर स्टिल यार यहाँ पे माइकल बोल रहा है ना तो हम इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे और डेजी को ना उसके पीछे भेज देंगे। बाकी चलो यार डेजी यहाँ पे पता नहीं यार किसका गाड़ी चोरी करके सीधा निकल रही है। हाँ चलो यार यहाँ पे किसी न किसी की गाड़ी तो उठानी पड़ेगी। हम लोग भी यार अपने रूबिकॉन में बैठते हैं और ना सीधा चलते हैं पुलिस कैप्टन के पास, क्योंकि यार अब ना ये जो प्रेसिडेंट बनने वाला मामला है ना इसको भी मैंने बिल्कुल सीरियस ले लिया है और अब मुझे माइकल को ही प्रेसिडेंट बनाना है चाहे जैसे भी। तो यार अभी फिलहाल हमारा पहला टारगेट ये है कि माइकल का जो बैकग्राउंड है ना उसे बिल्कुल यार यहाँ पे नीट एंड क्लीन हमें करना है, यानी कि जो भी यार पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनके फाइल में जो भी मतलब क्राइम रिपोर्ट पे जो भी माइकल की डेटा है ना उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है और उसमें मदद करेगा हमारे पास जो पुलिस कैप्टन है वो। तो चलो माइकल यार फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाओ और सीधा चलो अपने बंकर पे और एक बार ना पुलिस कैप्टन से बात करते हैं, देखते हैं यार कि वो बंदा हमारे इस काम में मदद करता भी है या नहीं। बाकी गाइस अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है ना तो फटाफट से कमेंट में चीटर अंडर वाटर माफिया लिख देना अगर आपको भी लगता है कि अंडर वाटर माफिया मेरे पे चीट कर रहा है। चलो गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना अपने बंकर वाले जगह पे आ चुके हैं और चल करके ना अपने जो भी मतलब यार पुलिस कैप्टन है ना उससे बात करते हैं और यार देखते हैं अगर सीधे तरीके से मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यार हमें दूसरा तरीका भी आता है। बाकी यार अभी हमारे कब्जे में है ना तो शायद यार अपना काम शांतिपूर्वक कर देगा, पर स्टिल यार ये जो पुलिस कैप्टन है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत ज़्यादा ही यार एक सेकेंड माइकल बस करो यार, तुम गाड़ी को पूरा जेल में ही ले जाके मानोगे क्या भाई, हद है। चलो फटाफट से यार हम लोग अंदर चलते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट के ना पुलिस कैप्टन से बात करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे एक लौता वही बंदा है जो हमारी मदद करेगा पुलिस स्टेशन से डेटा निकालने में, क्योंकि यार हम लोग गए ना तो फालतू में अगर गलती से भी वहाँ पे पकड़े गए तो यार इलेक्शन वाला जो पूरा मामला है ना यहाँ पे चौपट हो जाएगा, तो हम लोग ना यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाले हैं। और बाकी माइकल एक सेकंड यार तुम तो पहले ही हाथापाई पे उतरने लगे, पहले उससे यार प्यार से बात तो करो, क्या पता यार बंदा हमारी ऐसे ही हेल्प कर दे, उसे एक काम करो बाहर लेकर के आओ। अंदर भी यार डगन बॉस अभी तक बेहोश पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही उसे चोट लग गई है। बाकी यार ये लोग क्यों भाई बाहर आओ यार, मुझे ऐसा लग रहा है घुस करके मुझे ही मारना पड़ेगा दोनों को, भाई माइकल भी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बाहर आओ। बाकी चलो यार ये माइकल तो इसको उठा करके ले आया है, भाई उसको उतार दो वो बिल्कुल होश में, हमें उससे बात करनी है। चलो गाइस यार एक बार ना इससे बात करते हैं और पूछते यार कि क्या ये हमारी यहाँ पे मदद करेगा भी या नहीं। भाई उठ जा यार, वो ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। चलो गाइस यार एक बार ना इससे बात करते हैं। चलो गाइस यार यहाँ पे माइकल ने अपना जो पूरा क्राइटेरिया आई मीन जो भी हमारा मतलब काम था ना उसको यहाँ पे बता दिया और ये बंदा यहाँ पे पूरा पैनिक कर गया है, ये बोल रहा है कि यार ये सब काम मुझसे मत कराओ, मैं भले यार पैसों के लिए यहाँ पे मतलब दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर करता हूँ और मैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई इलीगल काम किया ना वो भी डेटा के साथ छेड़छाड़ तो मेरी तो नौकरी तो जाएगी, साथ में यार मुझे 10 से 20 साल की जेल भी हो सकती है। भाई तुझे नौकरी की पड़ी है या फिर जान की पड़ी है ये तू ना अभी डिसाइड कर ले। भाई ये बंदा तो बिल्कुल यहाँ पे डर गया है, पर यार यहाँ पे आपको तो पता है यार हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक बंदा है जो हमारा काम यहाँ पे निकलवा सकता है। बाकी यार ये बंदा तो यहाँ पे साफ साफ मना कर रहा है, वैसे बेटे तुझे अभी पता नहीं है कि तुम्हारी जो पूरी फैमिली है ना वो हमारे कब्जे में है,
अब तुम यहाँ पे डिसाइड कर लो कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है या फिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी। बाकी चलो यार, अब तो डिसीजन इसका ही होगा। हम लोग यार यहाँ पे थोड़ा सा ना वेट करते हैं और एक बार ना इसका डिसीजन हम सुनते हैं। बाकी चलो यार, यहाँ पे बंदा ना काफी देर सोचने के बाद बोल रहा है कि चलो मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा, पर हमें ना बहुत ही मतलब सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा। माइकल ये बोल रहा है कि अमेंडा तुम्हें तो अंदर मतलब तुम्हारा नाम अंदर क्राइम रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, तो तुम तो अगर ऐसे चलोगी तो भी मतलब ओके है, पर माइकल ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि माइकल को ना अंदर हर कोई जानता है। तो माइकल या तो तुम्हें पुलिस का कपड़ा पहनना पड़ेगा या फिर तुम्हें अपना जो फेस है ना वो कम्प्लीटली हाइड करना पड़ेगा। चलो यार ये तो हम देख लेंगे। बाकी यार यहाँ पे पुलिस कैप्टन की हालत थोड़ी खराब हो रखी है, लेकिन भाई तुम ना थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कम करना, क्योंकि यार तुम्हारी हालत ऐसे देख करके तुम्हारे पूरे के पूरे जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना उनको समझ में आ जाएगा यार कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि लाइक तुम्हें पकड़ करके लाए हुए हैं और तुमसे जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं। बाकी चलो यार माइकल जल्दी से बैठो, ये बंदा बोल रहा है कि यार तुम कैसे ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। चलो माइकल यार बैठ जाओ यार, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमें यही लेके जाने वाला है, तो हम देखते हैं यार कि हमें किस रास्ते से लेकर के जाता है। चलो गाइस हम लोग यहाँ पे अपनी रूबिकॉन में बैठ चुके हैं और फटाफट से यार यहाँ से निकलते हैं और सीधा ना पुलिस। भाई ये बंदे को मुझे लग रहा है कि मैंने गलत ही ड्राइविंग दे दिया यार। भाई मतलब यार कि इसको क्या ही बोलूं। वैसे चलो यार ये बंदे का पूरा शरीर ही हिल रहा है, तो स्टीयरिंग भी तो हिल ही रहा होगा। चलो कोई नहीं यार, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। भाई क्या कर रहा है माइकल, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि इससे ड्राइविंग हमें लेनी पड़ेगी। भाई अजीब है यार बंदा। बाकी चलो यार हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और हम ना माइकल के लिए पुलिस वाले कपड़े का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से यार हम लोग रास्ते से ना कोई शॉप में चलेंगे और हम गाड़ी उठा लेंगे। बाकी यार ये बंदा क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दोबारा पिटने के मूड में है। चलो गाइस यार कोई नहीं, फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा यार हम मिलते हैं किसी क्लॉथ शॉप पे। बाकी चलो गाइस यार हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना क्लॉथ शॉप पे पहुंचने वाले और आगे जाकर के राइट साइड पे ना वहीं पे एक क्लॉथ शॉप है और हम लोग ना एक बार यहाँ पे चलते हैं और माइकल का जो यार कपड़े का जुगाड़ करते हैं। बाकी यार हाँ मेरा मतलब यार मैंने ऐसे कोई कांड किए नहीं है लॉस एंटोस में, तो मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। पर यार उतना दिन से मेरे पीछे जो लॉस एंटोस की पुलिस पड़ी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यार वो मेरे ही पीछे पड़ी है, पर अब समझ में आया कि ये जो पुलिस कैप्टन है ना भाई ये इसका चाल था। ये मुझे यार मतलब पैसों के लिए जबरदस्ती मुझे परेशान करके रखा हुआ था। बाकी चलो यार ये बंदा तो खुद ही इसका पूरा बॉडी मतलब यार यहाँ पे टूटा पड़ा है, तो मुझे शायद इसको यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। बाकी चलो यार अभी इससे अपने बहुत सारे काम करवाने हैं। माइकल एक काम करो यार, अंदर जाओ और तुम ना कोई पुलिस वाला जो कपड़ा है उसे पहन करके और फटाफट से यार रेडी होकर के बिना किसी टाइम वेस्ट के ना सीधा बाहर चले आना। बाकी यार मुझे ना यहाँ पे काफी देर हो गया इन लोगों का वेट करते करते। पता नहीं यार अंदर से ये कौन से कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे गाइस यार ये जो कॉफी है ना काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है यार। तो चलो यार अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है ना, तो फटाफट से कमेंट में टेस्टी कॉफी टाइप कर देना। तो चलो यार जब तक ये लोग बाहर नहीं आते ना, तब तक यार मैं ना अपने कॉफी का यहाँ पे आनंद लेती हूँ। ओके तो यहाँ पे आ चुके और ये माइकल है क्या भाई, इसको तो मैं ही नहीं पहचान पा रही, तो अपना लॉस एंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट क्या पहचानेगा। बिल्कुल यार चौकीदार लग रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं यार। बाकी चलो यार यहाँ पे ना हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी उठाते हैं और माइकल तो यार यहाँ पे फुल रेडी हो गया है। हम लोग भी ना यार फटाफट से गाड़ी पे बैठते हैं और अपनी जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना उनके पास चलते हैं और देखते हैं यार कि ये बंदा हमें किस तरीके से वहाँ से फाइल निकलवाता है। बाकी यार ये मतलब कि अपना जो पुलिस कैप्टन है ना ये बोल रहा है कि अभी मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम वहाँ पे जा करके क्या करेंगे, क्योंकि ये बता रहा है कि वहाँ पे इस तरीके का जो क्राइम मतलब जो भी क्रिमिनल होते हैं ना बड़े बड़े, उनका एक अलग लॉकर होता है, पर यार उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। तो मुझे ना यार वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फाइल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी किसी को शक हुआ ना तो तुम लोग तो अंदर जाओगे ही, साथ की यार मेरी नौकरी भी यहाँ पे चली जाएगी। चलो कोई नहीं यार, अब तो ये वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट से यार अपनी गाड़ी को भगाते हैं और हम लोग चलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। चलो गाइस यार हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना पुलिस के पास पहुँचने वाले। बाकी यार यहाँ पे पब्लिक में इतनी हलचल क्यों मची हुई है भाई पुलिस के सामने। भाई मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है यार ये। खैर चलो यार मुझे ना अभी इधर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग ना फटाफट से यार अंदर चलते हैं और अंदर भाई यार तुम थोड़ा ढंग से चलो यार, थोड़ा सा तो यार क्या कर रहा है यार बंदा, कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी यार जिस तरीके से ओवर एक्टिंग कर रहा है। देखो मैं बोल रही थी यार कि ये बंदा ओवर एक्टिंग ही कर रहा है यार,
ये एक बार अभी डांटने पे ना ये साफ साफ यहाँ से मतलब सही से चलने लग गया। बाकी यार सामने से भाई ये पुलिस वाला थोड़ा सा शक की निगाह से देख रहा है। वैसे यार मुझे लग रहा है वो भी ये सोच रहा होगा कि चौकीदार पुलिस कब से बनने लग गए। बाकी यार माइकल का लुक यहाँ पे सच में यार बिल्कुल चौकीदार की तरह ही लग रहा है। वैसे गाइस अगर आप लोग को भी सेम लग रहा है ना तो फटाफट से यार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी चलो यार हम लोग यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। बाकी यार यहाँ पे जो अपनी पुलिस जो भी लॉस एंटोस की पुलिस है ना इनका रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कि इनको ना हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, खास करके माइकल के ऊपर। बाकी यार यहाँ पे अपना जो पुलिस कैप्टन है ना ऊपर के साइड में यार फाइल वगैरह ढूंढ रहा है, देखते यार कि इसको वो फाइल मिलता है या नहीं। बाकी यार जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाएंगे ना तब तक यार मुझे ना यहाँ पे डर लगता ही रहेगा। बाकी माइकल तुम ना अपना शकल ज़्यादा इनके सामने मत दिखाओ यार, एक तो तुम्हारा शकल ऑलरेडी चौकीदार की तरह लग रहा है और यार ऊपर से तुम इनके सामने खड़े हो, गलती से अगर ये पहचान गए ना तो फालतू में यार पंगे पड़ जाएंगे। बाकी चलो यार भाई पुलिस कैप्टन थोड़ा सा यार जल्दी करो, पर ये बंदा एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ना पास जाकर के इससे पूछती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी यार यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि मुझे ना वो फाइल यहाँ पे मिल नहीं रही है। बाकी यार ये यहाँ का कैप्टन है और इसको ये तक नहीं पता है कि इसके क्राइम वाली जो फाइल होती है वो कहाँ पे। भाई तू अभी पुलिस के अंदर है वरना अभी मैं तेरे एक कान के नीचे बजाती। अभी ये बंदा बोल रहा है कि इस कैबिन के अंदर है, जाओ जल्दी से ढूंढ कर लाओ। भाई इस बंदे का ना ध्यान तो काम पे रहता नहीं है, इसको कहाँ से ही पता चलेगा यार कि मतलब पूरी फाइल्स कहाँ पे है। बाकी चलो यार ये बोल रहा है मुझे यहाँ पे याद आ चुका है, ठीक है चलो गाइजर हम लोग ना एक मिनट बाहर वेट करते हैं और देखते हैं यार कि ये बंदा हमें यहाँ से ला करके देता भी है या नहीं। बाकी यार हम लोग ना यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे हैं और ये पुलिस कैप्टन ना अब तक नहीं आया। भाई इसको अंदर जा करके मुझे लग रहा है ना वापस से भजाना पड़ेगा क्योंकि यार मुझे डर है कि ये बंदा हमारे साथ कोई स्कैम ना करे। ओके ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पे अपने जो क्राइम मतलब माइकल के ऊपर जितने भी क्राइम रिपोर्ट है ना वो इसी फाइल में यहाँ पे रजिस्टर है, तो हमें ना इसे जल्दी से यहाँ से ले करके और डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि यार ये बंदा बोल रहा है ना कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से एक ना नेगेटिव वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे कहीं फंस ना जाए। बाकी चलो यार हम लोग ना फटाफट से यार इसको ले करके और किसी दूर जगह पे ना हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी यार ये बोल रहा है कि ये लोग यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह भी यूज करते हैं जो कि यार इसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस वाले फाइल में है या नहीं, पर यार हम लोग यहाँ पे ना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और जल्दी से जा करके ना इसको थोड़ा सा ऑफ रोड वाले एरिया में और इसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी यार एक सेकेंड यहाँ पे तो यार गोलियां चलनी स्टार्ट भी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको हमारे ऊपर शक हो गया है। और भाई साहब एक काम करो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाओ और जल्दी से ना हम लोग किसी सेफ लोकेशन पे चलते हैं। यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं क्योंकि यार हमें कैसे भी करके ना इस फाइल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। बाकी चलो यार अपनी गाड़ी को जल्दी से किसी सेफ लोकेशन पे लेके चलो यार क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब यार अच्छी सी वाइब नहीं आ रही है। और ये देखो यार अभी मैं नेगेटिव वाइब की बात कर ही रही थी कि और हमारे पीछे ना लॉस एंटोस की पुलिस यार बिल्कुल कुत्ते की तरह पड़ चुकी है। यार ये इस बंदे ने हमें पहले ही बोला था कि इस तरीके की फाइल में ना कोई सेंसर लगे होते हैं जिसको यार ये तुरंत सेंस करके ना कोई अलार्म बजता है जिसके कारण से यार ये लोग इमरजेंसी पे सेट होकर के ना सीधा वहाँ पे अटैक कर देते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ, यानी कि ये जो क्राइम वाला है ना मतलब यार कि लॉस एंटोस के बड़े बड़े जो क्राइम वाले बंदे हैं उनका नाम ना इसी वाले में रजिस्टर है जिस फाइल को चुराने के बाद ना ये पूरी की पूरी लॉस एंटोस यार हमारे पीछे पड़ चुकी है। पर यार हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हम ना गलती से भी पुलिस वालों के हाथ यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि अगर हम इनके हाथ अगर पड़ गए तो यार हमारा मतलब यार कि माइकल को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और यार वो सब तो ठीक है पर अपना जो प्रेसिडेंट बनने वाला सपना है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से यार अंडरवाटर माफिया ने हमें चैलेंज दिया है ना अब तो भाई ये एक ईगो की बात है और हमें कैसे भी करके ना मतलब यार प्रेसिडेंट बनना। और यार ऊपर के साइड पे देखो यार ये लॉस एंटोस की पुलिस बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आया जा रही है और सामने से यार ये सैंडी सोर्स भाई पता नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो वाली पुलिस भी है। और हम लोग यार मतलब माइकल यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इनको उड़ा करके अपना रास्ता क्लीन कर रहा है। और यार ये जो अपना पुलिस कैप्टन है ना इसके भी यार लिटरली यहाँ पे फटी पड़ी है, इस बंदे को यार अपनी जॉब की ही पड़ी हुई है। ये बोल रहा है कि अगर तुम लोग के साथ गलती से अगर मैं भी यहाँ पे पकड़ा गया ना तो यार जेल के साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी जिससे यार मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यही रीजन है यार कि ये बंदा का जो स्टेयरिंग है ना अब काफी अच्छे से घूम रहा है।
स्टार्ट में यार तो ये ऐसे चला रहा था जैसे कि इसने ड्रिंक कर रखा हो, पर यार अभी ये पूरा फोकस्ड होके चला रहा है। वैसे यार ये हमारे लिए नहीं बल्कि यार खुद के लिए ड्राइविंग कर रहा है। चलो कोई नहीं यार, यहाँ पे अपना भी फायदा हो रहा है और हमें ना कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा और इस फाइल को ले जा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि यार एक बार अगर हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो उसके बाद यार माइकल भी खुलेआम लॉस सैंटोस में घूम पाएगा, क्योंकि आपको तो पता है यार कि जो पुलिस होती है ना वो बिना प्रूफ के किसी को भी नहीं पकड़ सकती। उनके पास यार इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि बिना किसी प्रूफ के वो किसी भी बंदे को परेशान तक कर ले। बाकी चलो यार अपनी गाड़ी को हम लोग मतलब यार बहुत ऐसी वैसी जगह से भगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग पुलिस वालों को चकमा दे सके, पर स्टिल यार यहाँ पे जो लॉस सैंटोस की पुलिस है ना तो गाड़ी के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी हमारे ऊपर नज़र रख रही है और जहाँ भी हम जा रहे हैं ना हमारे पीछे आए जा रही है। बाकी यार हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोक दिए हैं क्योंकि अपनी गाड़ी की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और आप देख सकते हो यार कि मुझे भी यहाँ पे 2-4 बुलेट लगी है। पर कोई नहीं यार, यहाँ पे अभी ना हमें थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना रहना पड़ेगा और अगर गलती से भी लॉस सैंटोस की पुलिस हमारे पीछे यहाँ पे आती है ना तो हम लोग यार उसको मतलब यार कि मारेंगे। बाकी यार लॉस सैंटोस का ये एक सेकंड ये पुलिस कैप्टन बोल रहा है कि अमेंडा हमें इस ये वाली जो अपनी मतलब कि फाइल है ना इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी ये उनके हाथ लग गया ना तो तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बाकी चलो यार एक काम करो, बाकी चलो यार पुलिस कैप्टन ने काम करो यार, फटाफट से ना इसको कहीं डिस्ट्रॉय करो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहिए नहीं। और एक सेकंड यार ये बंदा बोल रहा है कि हमें इस रूबी कॉर्न में लगा करके इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि यार इस गाड़ी को ही देख करके मतलब लॉस सैंटोस की पुलिस यहाँ पे आ रही है। बाकी यार यार मैं रूबी कॉर्न को यहाँ पे जलाना नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना यहाँ पे इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यार अपना जो ये गाड़ी है ना इसको यार देख करके हमारे पीछे आए जा रहे हैं। तो चलो यार हम लोग ना दोनों साइड से यहाँ पे कवर देने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कैप्टन तुम फटाफट से यार उस फाइल को इस गाड़ी के अंदर रख करके और सीधा ना इस गाड़ी को यहाँ पे ब्लास्ट कर दो। बाकी चलो यार इसने ना अपनी फाइल को इसके अंदर रख दी है और यार यहाँ पे अपनी जो प्यारी रूबी कॉर्न है ना यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है यार। हाय साहब, चलो यार यहाँ पे अपनी जो रूबी कॉर्न है ब्लास्ट हो चुकी है, पर चलो कोई नहीं यार ऐसी गाड़ी हम दोबारा ले लेंगे। पर अगर गलती से भी हम लोग यहाँ पे पकड़े गए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पैस की आंख भाई, यार अब भी मैं यहाँ पे मरते मरते बची। जिस तरीके से यार ये हेलीकॉप्टर गिरा ना भाई, मेरी जो जान है ना बिल्कुल हलक में आ चुकी थी। पर चलो यार अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ और ना हम लोग यार ये गाड़ी मतलब यार ये ट्रेन में थोड़ा सा सेफ लग रही है, मैं इसके अंदर हम लोग ना छुपे रहते हैं और देखते यार कि अभी किसी पुलिस वालों की हमारे ऊपर नज़र पड़ती भी है या नहीं। बाकी यार हम लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और मुझे आसपास भाई मुझे पुलिस का जो हेलीकॉप्टर है ना उसका साउंड तो आ रहा है, पर मुझे कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई अभी ना हमारा यार बिल्कुल भी धड़कन तेज हो रखा है। एक सेकेंड, मेरे ऊपर बुलेट आ रही है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने हमें कहीं से देख लिया है। माइकल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा यार। बाकी यार हम लोग ना इस वाले जो टूटी फूटी ट्रेन है ना इसके अंदर छुप करके बिल्कुल शाम ही कर दिया और यार यहाँ पे छुपने के कारण ना लॉस सैंटोस की पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाई और यहाँ से वो चली गई। पर यार ये सब मतलब यार ये सब करने के लिए अपने रूबी कॉर्न यार अपने पास से चली गई, जिसके कारण से यार हमें ना मतलब यार काफ़ी ज़्यादा उससे इमोशंस जुड़े हुए थे। हर जगह पे यार वो हमारे साथ थी, पर यार उसको ना मतलब हमें कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही था, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी कांड किए ना सब में अपनी रूबी कॉर्न अपने साथ ही थी। तो यार वो गाड़ी भी थोड़ी सी यार सबके नज़र में आ चुकी थी। चलो कोई नहीं यार हम लोग ना गाड़ी का कलेक्शन और भी करेंगे। बाकी एक सेकंड यार, बाकी यार ये पुलिस कैप्टन यार क्या मसाल लेके घूम रहा है। बाकी यार यहाँ पे अंधेरा भी हो चुका है तो शायद यार ये हमें रोशनी दिखाने का काम कर रहा है। बाकी यार ये बंदा बोल रहा है कि तुम लोग ना फटाफट से मेरे पीछे आओ और ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे एक सेकेंड यार, मुझे ना यहाँ पे डेजी का कॉल क्यों आ रहा है? मैंने एक बार ना साइट में थोड़ा जा करके डेजी से बात करती हूँ और देखती हूँ यार कि ये मुझे क्या कहना चाह रही है। ओके, तो मेरी यहाँ पे डेजी से बात हो गई और ये बोल रही है मुझे कि अमेंडा तुम ना फटाफट से एयरपोर्ट पे आ जाओ और यहाँ पे जो अंडर वाटर माफिया है ना पता नहीं रात के अंधेरे में कहाँ पे कुछ ना बहुत मतलब यार कुछ एक्सपोर्ट करवा रहा है, पर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करवा रहा है। भाई पता नहीं यार उस बंदे के माइंड में भी क्या चल रहा है। मैं ना एक बार ना फटाफट से यार चलती हूँ एयरपोर्ट पे और भाई ये पुलिस कैप्टन पता नहीं यार कहाँ से किसकी गाड़ी लेकर के आए। चलो कोई नहीं यार, अभी हमें गाड़ी की बहुत ज़्यादा नीड थी
और पुलिस कैप्टन ने काम करो यार, तुम ना फटाफट से यार गाड़ी को लेकर के एयरपोर्ट पे चलो, क्योंकि यार डेजी ने ना हमें काफी ज्यादा इमरजेंसी में बुलाया है। तो चलो गाइस, अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है ना, तो जल्दी से यार कमेंट में RIP रूबीकॉन टाइप कर देना, क्योंकि यार अपने रूबीकॉन अब हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि यार उसके साथ सच में यार काफी ज्यादा इमोशन जुड़ी हुई थी, उसके ऊपर यार अपने चैनल का लोगो भी था। पर चलो कोई नहीं यार, अभी ना हम लोग फटाफट से अपने काम पे फोकस करते हैं और एक बार एयरपोर्ट जा करके देखते हैं कि अंडर वाटर माफिया आखिर करना क्या चाह रहा है। तो चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए ना एयरपोर्ट पे बस पहुंचने ही वाले हैं, और यार यहाँ पे अपनी हालत ना बिल्कुल खराब हो रखी है। यार ये पुलिस कैप्टन भाई अलग ही मूड में चल रहा है, पर यार इसने यहाँ पे ना गाड़ी काफी बढ़िया जम करवाई है। पर मुझे यार यहाँ पे मतलब कहीं पे अंडर वाटर माफिया दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने एक बार यहाँ पे डेजी को कॉल लगाती हूँ और ना उससे पूछती हूँ कि वो आखिर कहाँ पे है। मुझे सामने के साइड पे यार दो बड़े बड़े प्लेन तो नजर आ रहे, ओके मुझे यार वहाँ पे डेजी भी दिखाई देती है। तो चलो यार पुलिस कैप्टन, तुमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रोक दो, मुझे सामने के साइड में डेजी नजर आ गई है, और गलती से भी यार अंडर वाटर माफिया की ना नजर हम पे नहीं पड़नी चाहिए। बाकी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा यार यहाँ पे, भाई सॉरी यार डेजी, यार मैंने यार इसको यहाँ पे गिरा दिया है। बाकी यार चलो कोई नहीं यार, मैंने यहाँ पे छुप करके थोड़ा सा बाकी मैंने यार यहाँ पे थोड़ा सा छुप करके देखती हूँ। बाकी डेजी तुम तो बहुत देर से देख रही थी, चलो यार मैं एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बाकी यार मुझे ना यहाँ पे चारों तरफ से अंडर वाटर माफिया के गार्ड नजर आ रहे हैं, और इतने बड़े बड़े टाइटन प्लेन, आखिर यार ये बंदा लॉस सैंटोस से क्या एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा है। भाई इस बंदे के पास मुझे जहाँ तक पता है कि ये बंदा ना दुबई से यहाँ पे यार बस ऐसे यहाँ पे शिफ्ट किया था सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो यार ये दुबई से ऐसा कुछ तो यहाँ पे लेके आया नहीं होगा। तो यार इसको यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ मिल गया जिसको यार ये मतलब पता नहीं यार कहाँ पे क्या ही शिफ्ट करवा रहा है, क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। पर यहाँ पे जब से माइकल ने मुझे बोला है ना कि उसको अंडर वाटर माफिया पे डाउट है, तब से यार मेरा भी डाउट है ना यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। और ये बंदा यार पता नहीं इस बंदे से क्या बात कर पा रहा है, क्या बात कर रहा है, मैंने यहाँ दूर से देख नहीं पा रही। बाकी यार ये बंदा पता नहीं यार कहाँ पे जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड यार मैं ना थोड़ा सा कवर से बाहर आ गई, भाई इसको देखने के चक्कर में ना अभी मैं यहाँ पे फंसने वाली थी। बाकी चलो यार हमें ना थोड़ा सा यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये अंडर वाटर माफिया के मन में क्या चल रहा है, और यार ये यहाँ पे करना क्या चाहता है। बाकी यार मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो यार ये जो दोनों टाइटन प्लेन है ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और यार ये दोनों यहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं। बाकी गाइस यार मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई, और ये अंडर वाटर माफिया ना जाने यार यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करवा रहा है। गाइस मेरा ना यहाँ पे दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग ना मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से यार अंडर वाटर माफिया की जो सच्चाई है ना वो सबके सामने लाना चाहिए। मतलब यार हमें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, और ये हमारे पीठ पीछे कौन सा गेम खेल रहा है, और पता नहीं यार यहाँ पे ये कौन सा एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। बाकी यार ये लोग देखो यार हमारे सामने से बिल्कुल ये प्लेन यहाँ से निकली है। बाकी गाइस यार आप लोग ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन दो कमेंट करके कि मुझे यहाँ पे आखिर क्या करना चाहिए। चलो गाइस यार अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं यार आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाकी गाइस यार अगर आप लोग को ये एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज यार इस वीडियो का लाइक टारगेट जो कि है 250 लाइक, उसे ना जरूर कंप्लीट करवा देना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और यार जिन लोगों ने भी अपना मतलब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं किया है ना तो यार उसको भी ऑल पे कर देना, क्योंकि यार अपने मतलब इस चैनल पे ना GTA 5 की वीडियो रेगुलर आने वाली है। पर उसमें भी एक कंडीशन है, जैसे यार आप लोग लाइट टारगेट कंप्लीट करवाओगे तभी यार अपनी अगली एपिसोड आएगी। तो यार आप लोग अब यहाँ पे डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को GTA 5 की वीडियो की ना फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। तो चलो गाइस यार अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।